गांव में लाइट कटती है, लड़की बाहर निकलती है, फिर गोली चल जाती है। जी हाँ, ये घटना है बेगूसराय के वीरपुर थाना अंतर्गत पर्रा पंचायत के सोरंजा गांव की, जहां पर उमेश पासवान की 18 वर्ष पुत्री वंदना कुमारी जब घर के 6:30 बजे शाम को जो है लाइट उसके घर पर कटती है, तो उसके बाद वो जो है घर से बाहर ही निकलती है कि तभी किसी बदमाश ने उसके बाएं कंधे में जो है गोली मारकर भाग जाते हैं। उसके बाद घायल अवस्था में जो है वंदना कुमारी अपने परिवार के साथ सदर अस्पताल पहुंचती है, लेकिन गांव में हड़कंप सा मच जाता है, क्योंकि ये अजीब और गरीब घटना सुनने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर लाइन कटने के बाद वंदना कुमारी के साथ क्या हुआ। लेकिन आपको बता दें, माँ ने सोचा कि लाइन कटने के बाद किसी ने बाहर पटाखा फोड़ा, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि किसी व्यक्ति ने जो है इसकी बेटी पर जो है गोली चला दी, ना कि पटाखा फोड़ दिया। लेकिन अंदर की बात तो शायद कुछ और ही है, क्योंकि किसी को इतना फुर्सत ही क्यों कि किसी को सिर फिरे जो है गोली चला देंगे। लेकिन क्या है पूरा मामला, लड़की ने साफ साफ बता दिया और माँ ने भी बता दिया, और उसके बाद पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, चलिए सुनते हैं। इसे जानने से पहले, आप देख रहे हैं FOV न्यूज, मैं कुमार शान। बेगूसराय शहर में खुल गया है दूसरा मोंगनी शॉप, जहां मिले वैरायटीज ऑफ केक्स, कुकीज, चॉकलेट आइटम्स, गिफ्ट पैक, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। तो बर्थडे, एनिवर्सरी या हो कोई पार्टी, तो आज ही आए हमारे मोंगनी शॉप, हीरालाल चौक, मेन मार्केट, बेगूसराय। क्या उठा लड़का, कुछ देखी थी? नहीं देखी थी। क्या करने के लिए निकली थी बाहर? किसी को बात भी बात भी था पहले बाबू, कोई कुछ बोला भी था? नहीं। कुछ जानकारी नहीं इसके बारे में। क्या नाम हुआ तुम्हारा? बेगूसराय का 20 साल से सबसे पुराना मोबाइल शॉप बेगूसराय कम्युनिकेशन, जहां बिना इंटरेस्ट के EMI पे घर ले जाए अपने पसंदीदा फोन। तो आज ही आए बेगूसराय कम्युनिकेशन, ट्रैफिक चौक, बेगूसराय। हुआ बहन के साथ? जैसे हम लोग रोड पे थे, एक नाम बहन खेल रहे थे, एक नाम बैठा था, उधर से गोली चलाया है मुस्लिम तौर पर। कौन लोग मारने वाला है? अब मैं नहीं देखा। कैसे घटना हुआ है, कारण क्या, सूचना मिला था? जान नहीं देते हैं, गोली चलाया, लाइन कटा है, उसी वक्त कटा है। किस जगह पे मारपीट हुआ थी, घटना हुआ है? घर का गया। कब हुआ है? 6 बजे। अच्छा, किसी को क्या कोई विवाद हुआ था, किसी चल रहा है? ना, किसी को नहीं हो रहा। क्या नाम है लड़के का? वंदना कुमारी। पुलिस को सूचना मिली कि गांव सरंजा में उमेश पासवान की बेटी, 18 वर्षीय बेटी वंदना कुमारी को घर से बाहर थी, लाइट कटी हुई थी, घर से बाहर वो लोग खड़ी थी, किसी अज्ञात अपराधी के द्वारा गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। सूचना प्राप्त होते ही वीरपुर थाना के SHO अपने सशस्त्र बल के साथ महज 10 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचते हैं, परिजनों से बातचीत करते हैं। परिजन अभी कुछ भी बताने के लिए की स्थिति में नहीं है, और क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है किसी को, फिर आनंद फानन में यहाँ पर सदर अस्पताल की तरफ लाया जाता है, फिर उनको एक निजी क्लिनिक डॉक्टर गोपाल मिश्रा के यहाँ पर इलाज कराया जाता है। थोड़ी देर बाद लड़की का बयान जब SHO लेते हैं, लड़की अपने बयान में बताती है कि उन्होंने अंधेरा होने के कारण किसी को देखा नहीं है। उनके परिजनों से भी पूछा गया है, स्थानीय लोगों से भी पूछा गया है, तो किन्हीं के द्वारा किसी को देखा नहीं गया है। अब हम लोग इस बिंदु पे जांच कर रहे हैं कि कौन हो सकता है, क्या कारण है घटना का, और ये बहुत जल्द हम लोग अपने अनुसंधान में पता लगा लेंगे। हालत क्या बच्चे की? वो बिल्कुल ठीक है, अभी डॉक्टर से बात किया है मैंने, डॉक्टर ने बोला है कि गोली निकाल दी गई है और अभी खतरे से बाहर है। प्रथम दृष्टया से किस तरह का कोई मामला नहीं, अभी बताना थोड़ा मुश्किल है, वो पूरा जाँच के बाद ही बता पाएंगे कि क्या मामला है।